मती 21 उसका 17 पर तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। यहुन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पदों में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। लूका 10 और उसके 38वें पद में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये जो भी पद मैंने बाइबिल से पढ़े हैं ये सब बैतनिया के विषय में हैं, और बैतनिया वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह अपने अंत के दिनों में काफ़ी आया जाया करते थे। जो जगह आप देख रहे हैं ये सेंट लाजरस चर्च है। मार्था का और मरियम का और लाजर का घर यही था। और जैसे मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम रखता था, उनके घर वो बार बार आता जाता था। और जब विजय प्रवेश हुआ, जब यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, तो उसके बाद वो उनको छोड़कर बैतनिया आया और वहीं रात बिताई। तो यीशु मसीह बिल्कुल इसी जगह पर रहते थे जैसे आपने बाइबिल में पढ़ा है। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और वो सेवा करते करते थक गई, परंतु मरियम उसकी चरणों में बैठ के वचन को सुनती थी। और बैतनिया में लाजर का घर, मरियम मार्था का घर और शमौन कोड़ी का भी घर है। और वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लाजर की कब्र है, जिसे यीशु मसीह ने 4 दिन बाद मुर्दों में से जी उठाया था। तो ये सब कुछ बैतनिया में है जो आप देख रहे हैं। ये खास तौर पे लाजर की कब्र है और इसकी खोज की गई तो पता चला यही वो जगह है। और यूहन्ना 11 उसके 17वें पद से लिखा है, वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम से के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ उसके पास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये जो भी वचन पढ़े गए ये हमारे विश्वास के वचन हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जीवन दान दिया था। और ये वही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म को किया, और ये बैतनिया में है। और आज भी इस जगह को देखने लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, पर हमारा विश्वास है ये विश्वास ही वचन आपके और हमारे जीवन में कार्य करे। और ये बैतनिया अंदर से है, जो आप ये दीवार देख रहे हैं ये डिवाइडेशन की दीवार है, और ये बाहर से है, और बिल्कुल इसी के अंदर बैतनिया शहर बसा हुआ है जहाँ यीशु मसीह जाते थे, करीब 2 मील की दूरी पर था। और अब ये रास्ता सीधे बैतफगे की तरफ जाता है, और बैतफगे पर जैसे हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो आप देख सकते हैं। और यीशु मसीह अंत के समय में बैतनिया बैतफगे बहुत आते जाते थे। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारा साथ देते रहिए। बाइबिल पढ़िए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। जैसे उसने 4 दिन के मुर्दे को जीवन दान दिया, वैसे वो आपको और मुझको और हमारे परिवारों को जीवन दान देता है। हमारे यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों से प्रेम रखता है और उनकी हर मुसीबत को दूर करता है। जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह मरियम मार्था से और लाजर से प्रेम रखता था,
वो आपसे और हमसे भी प्रेम करता है, और जो वो उनके लिए कर सकता है वो हमारे लिए भी कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके पीछे चले, उसके वचनों पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड।